तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपसे समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी होती है और सबको पसंद आता है समोसे। तो किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बनाओ, अच्छा लगता है। कोई गेस्ट है तो भी बनाइए। तो आज मैं एक ईजी वे में रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, आप घर में आसानी से बना सकते हो। तो और आप मेरे व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और समोसे की रेसिपी आप देखिए। थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि समोसे कैसे मैं बनाती हूँ। हाँ, मैंने 1 किलो मैदा ले लिया था और इसमें मैंने अजवाइन क्रश करके डाल लिया। ये अजवाइन दिख रही है, जो ये महीन महीन से दिख रही है, ये अजवाइन है। और इसमें हम नमक डालेंगे, यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। और अब हम इसमें मोइन के लिए ये रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिससे हम ये काफ़ी वो हो जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है और क्रंची हो जाता है। 1/4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे एक साथ खूब अच्छे से मैश करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है आटा। हमारा ये आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये हम कब मानेंगे कि हमारा ये आटा, ये मैदे का जो ये हमने वो कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं, ये वो हो गया है। तो ये देखिए, गोली बनाएंगे हम, हाथ से इसको दबाएंगे तो देखिए अच्छे से ये बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा मोइन भी सही है। और अब बस इसमें पानी डाल के हमें इसे गूंदना है। हमारा यहाँ पर आटा गून के रेडी हो चुका है। और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे बस रख देंगे, अब रेस्ट करने के लिए। यहाँ मैंने तेल में हरी मिर्च डाल दी है, खड़े जीरे ले लिए हैं, ये इसको मैं इसी में डाल दूंगी। अच्छा लगता है ये समोसे में। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये अजवाइन डाल दी है। आलू दिखाई थी आपको उबली हुई, अब इसको अब हम इसमें डाल देंगे। यहाँ देखिए, मैंने आलू इसमें ऐसे डाल दिया है, इसको फोड़ फोड़ कर मैंने आलू इसमें डाल दी है। यहीं पर ये मैंने उबली मटर भी डाल दी है। आलू का जो मिक्सर हम बनाएंगे उसे अच्छे से हम इसमें मिक्स करना है, और इसमें बड़े बड़े आलू नहीं रहने चाहिए। इसको हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा दबा के इसको आलू को इसमें मैश करना है। हमने मटर को भी इसमें मिक्स कर लिया। अब यहीं पर ही हमने जो ये फ्राई मूंगफली करी थी वो भी हम डाल देते हैं, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली को हमने मिक्स कर लिया। अब आती है हमारी मसालों की बारी। तो मसालों में हम सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें, फिर मिर्च, अगर चटपटा वैसे अच्छा लगता है तो इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा पिसी मिर्च डाल देंगे। अब आती है नमक की बारी। तो नमक आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए, क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालिए। तो हमने ये सारा मसाला जो पहले डाला वो मिक्स कर लिया। अब मैं एक इसमें सीक्रेट मसाला डालूंगी, तो मैं दिखाती हूँ वो क्या है सीक्रेट मसाला। ये है, ये मैंने इसमें सूखी धनिया, सूखी खड़ी धनिया जो होती है वो, जीरा और लाल मिर्च, काली मिर्च लेकर इसको मैंने थोड़ी देर रोस्ट कर लिया था। किसी पे भी तावे पर आप बिना तेल डाल के रोस्ट कर लीजिए ऐसे ही, जब वो चटकने लगे फिर इसे आप मिक्सी में डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए। आप एक बार ट्राई करना ये मसाला। तो अब ये मसाला मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच ये मसाला इसमें डाल दिया है। अच्छे से आप मैश कर लीजिए और थोड़ी देर इसे 2 से 3 मिनट आप इसे गैस पर ही छोड़ दीजिए, ये मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे। तो बस हमारा ये रेडी है ये। तो यहाँ हमने कढ़ाई में तेल रखा हुआ है और ये देखिए ऐसे हमने पेड़े काट लिए हैं, ये
ये हमने पेड़े काट लिए हैं और उसको अब हम लंबा बेलेंगे, लंबा ऐसे करके, ऐसे में इसको थोड़ा सा ऐसे बेल लेंगे बीच में, और इसे एकदम पतला नहीं बेलना है क्योंकि जो समोसा बनता है वो थोड़ा सा मोटा ही होता है उसका, ये ऐसे लंबे में बेलना है। तो ये हमने लंबा इसको बेल लिया है और इसको अब हम बीच में से काट देंगे ऐसे, और बस इसको ऐसे हाथ पर लेकर इसका जो ये कटा वाला हिस्सा है इसको ऐसे उंगली पर ले लेंगे और नीचे जो ये गोल वाला हिस्सा है वो नीचे रखेंगे, और फिर एक उस पर देखिए हम मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाल के इसमें पानी डाला हुआ है, इसको चिपकाने के लिए चाहिए ये, थोड़ा सा आप लीजिए। तो इसको बस ऐसे इसके घोल को मिक्स करके एक उंगली से इसके आधे से ज़्यादा हिस्से पे आप लगा दीजिए, ऐसे अच्छे से इसके आधे हिस्से पे लगा दीजिए, फिर इसको अपनी उंगली पर ऐसे वी स्टाइल में फोल्ड कीजिए और यहाँ चिपका दीजिए, ये हमें चिपका दिया, और इसका जो दूसरा सिरा है उसको उठाकर आप ऐसे कर दीजिए, उस पर चिपका दीजिए, तो ये हमारा कोन बन जाएगा ऐसे। तो ये हमारा कोन रेडी है। तो ये जो कोन है इसको एक हम चम्मच से, अब इसमें ये मिक्सचर हम भरेंगे, पहले पहले चम्मच से डाल देंगे, फिर से उंगली से अंदर तक इसे घुसा कर भर देंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें जो इसका ये है हमें जो इसका मिक्सचर बना रखा है वो थोड़ा सा अच्छे से भरना चाहिए, तो हम इसको अच्छे से उंगली से अंदर तक इसको भर देंगे। तो ये देखिए भर गया है, और फिर जब इसको हम भर देंगे तो अच्छे से अंदर करके फिर इसके ऊपर फिर से उंगली उसमें लगाएंगे घोल में, और इसके ऊपर वाले हिस्से पर भी हम इसको लगा देंगे अच्छे से कि खुले ना, ये इसीलिए लगाया जाता है कि ये तेल में खुले नहीं, तो इसको अब हम ऐसे उंगली के इससे चिपका देंगे। तो हम ऐसे सारे बना बना के रेडी कर लेंगे और फिर हम इसे बाद में फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा समोसा बनके देखिए अच्छा लग रहा है ना, तो ये समोसा ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं। तो यहाँ हमने तेल तलने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा तेल गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें धीरे धीरे अपने समोसे डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ हमारा तेल रेडी हो गया है, तो इसमें धीरे धीरे हम समोसे डालेंगे अपने। ये सारे डाल दिए हैं, इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको तलना है, नहीं तो ये बाहर बाहर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन ये अंदर होंगे नहीं, तो इसे हमें एकदम लो मीडियम पर ही फ्राई करना है, और थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही तेल में पड़े रहने देना है, इसके बाद इसे हम पलटेंगे। तो ये देखिए एक साइड हो चुका है हमारा समोसा, और अब हम फिर से इसको हमने पलट दिया है, तो ये दोनों साइड से हो जाएंगे अच्छे गोल्डन। ये देखिए हमारा समोसा बस हो ही चुका है, थोड़ा सा हमें और इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए तो ये समोसा बनके रेडी हो चुका है, और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे एक नैपकिन पर। तो बस अब हम यहाँ पर अपना समोसा निकाल लेंगे, समोसे हमारे रेडी हो गए हैं बनकर, तो सब हम एक नैपकिन प्लेट में लगाकर निकाल लेंगे सब, और ऐसे हम सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारा समोसा रेडी है सर्व करने के लिए, कैसे लग रहे हैं समोसे आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके साथ हरी चटनी और लाल खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो ये है समोसे के साथ की चटनियाँ, कैसे लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बहुत ही इजी रेसिपी है, आप सभी घर में ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी है, स्नैक्स वगैरह में आप इसे ले सकते हो। तो आपको कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी, प्लीज़ अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अपने, तब तक के लिए बाय, हैप्पी होली।
हूँ।